विजडम जास्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम सैयद गोरी मोहम्मद। आज मैं हिंदू करंट अफेयर्स और एडिटोरियल को डील कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। मोदी कॉल्स फॉर सार्क एमर्जिंग फंड एक्सटेंड्स $10 million एज इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन। जैसे कि $10 million को एक्सटेंड करते हुए इंडिया के जो कॉन्ट्रीब्यूशन को कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में ऐलान करते हुए मोदी ने सार्क एमरजेंसी फंड को एक्सटेंड करने की कोशिश की है और ये वीडियो कॉन्फ्रेंस समिट रखा गया और इस सार्क के बारे में हम डिस्कस किया जाए। सार्क का अब्रिवेशन हो गया साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। जो साउथ एशियन के जितने भी कंट्रीज होते हैं, जैसा कि भारत है, पाकिस्तान है, ऐसे जो कंट्रीज जो होते हैं साउथ एशिया के, श्रीलंका है, ये सारे कंट्रीज इसमें जुमला है। वो लगभग 8 कंट्रीज है और ये सार्क के जो कंट्रीज है कोविड-19 से लड़ने के लिए यहाँ पर मोदी का गवर्नमेंट और मोदी भारत के जो प्रधानी है नरेंद्र मोदी जी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस समिट रखा गया और ये वीडियो कॉन्फ्रेंस समिट को सारे जो सदस्य, जो सार्क के सदस्य है, सारे सदस्य हाजिर हुए और मोदी का जो कुछ भी वहाँ पर बयान है और ऐलान है उसको स्वागत किया और मोदी ये सार्क एमरजेंसी फंड को बढ़ाते हुए भारत की तरफ से जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उस कॉन्ट्रीब्यूशन का डिक्लेयर भी करने लगे। जबकि ये कोविड वायरस को रोकने के लिए सारे देश सराउंडिंग जो भी कंट्रीज है वो एकदम जुमला होकर इकट्ठा होकर ये कोविड-19 से सामना करने का प्रयास किया जा रहा है। राइट, सार्क शुड क्रिएट फंड टू फाइट द थ्रेट ऑफ कोविड-19। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड ऑन संडे एड्रेसिंग द फर्स्ट एवर वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑफ द हेड्स ऑफ मेंबर्स कंट्रीज ही एक्सटेंडेड $10 million एज इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द फंड। जैसा कि इन्होंने $10 million जो है $ को इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन के तरह रखकर ये जो सार्क का एमरजेंसी फंड को एक्सटेंड करने का कोशिश किया गया। अब ये कोशिश इसलिए कर रहे हैं कोविड-19 को रोकने के लिए और उसका सामना करने के लिए। वी ऑल अग्री दैट वी आर फेसिंग ए सीरियस चैलेंज। जैसा कि हम सब लोग ये अग्री करना पड़ेगा और इसको जरूर मानना पड़ेगा, हम कोविड-19 से एक चैलेंज फेस कर रहे हैं। अब ये चैलेंज बहुत बड़ा है और ये महामारी से ये तो पैंडेमिक हो गया। जैसा कि मैं जो लास्ट क्लासेस में समझाया था आपको, एपिडेमिक, एंडेमिक और पैंडेमिक तीन जो टाइप्स के डिसीजेस होते हैं। राइट, एपिडेमिक एक कम्युनिटी में आता है, एक ही कम्युनिटी के पॉपुलेशन में फैलता है, वहीं ख़त्म होता है। एंडेमिक जो होता है एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी तक पहुंचता है और एक देश से दूसरे देश तक जाने का चांसेस है। जब एंडेमिक जो बड़ा होने लगता है और सारे देशों को फैलता है, लास्ट स्टेज होता है, उसको पैंडेमिक कहते हैं और कोविड-19 ये पैंडेमिक कैटेगरी में आता है। कोविड-19 ये पैंडेमिक डिसीज हो गया, सो सारे देशों को फैल कर और उसका जो प्रभाव ज्यादा डाल दिया जा रहा है। यह तो होगा पैंडेमिक डिसीज और इस पैंडेमिक डिसीज को लड़ने के लिए यहां पर सार्क का एक इमरजेंसी मीटिंग हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंस समिट हुआ और यहां पर इमरजेंसी फंड के बारे में मोदी ने डिस्कस किया। वी ऑल अग्री दैट वी आर फेसिंग ए सीरियस चैलेंज। वी डू नॉट हैज एच नो व्हाट शेप द पैंडेमिक विल टेक इन द कमिंग डेज। जैसा कि पैंडेमिक डिसीज आगे जो आने वाले दिनों में क्या करने वाली है इसके बारे में हम जान नहीं सकते, लेकिन ये तो चीज़ हमें जान सकते हैं पैंडेमिक डिसीज खतरनाक पहुंचता है, खतरनाक साबित हो सकता है पैंडेमिक डिसीज से। राइट, इट इज क्लियर दैट वी हैव टू वर्क टूगेदर। अभी हम सब लोग एक दूसरे के साथ काम करना पड़ेगा, यह तो कहना है नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हम सब एक साथ काम करना पड़ेगा। हम सब का मतलब सार्क के जो भी सदस्य है, सार्क के जितने भी कंट्रीज है, जैसा कि इंडिया, पाकिस्तान, राइट, श्रीलंका, म्यांमार, सारे कंट्रीज, राइट, वी हैव टू वर्क टूगेदर इन द स्पिरिट ऑफ कोलाबोरेशन। लेट मी शेयर ए फ्यू आइडियाज ऑन व्हाट इंडिया कैन ऑफर टू दिस ज्वाइंट एफर्ट। जैसे कि हम साथ काम करने के लिए, हाँ, इंडिया क्या सोच रही है, इंडिया की जो आइडिया क्या है, इंडिया का जो व्यूज क्या है, उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ, ये कहते हैं मोदी जी ने कहा। आई प्रपोज वी क्रिएट ए कोविड-19 एमरजेंसी फंड विच कुड बी बेस्ड ऑन वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल ऑफ अस। इंडिया कैन स्टार्ट विथ एन इनिशियल ऑफर $10 million फॉर दिस फंड, ही सेड। जैसा कि मैं
मतलब नरेंद्र मोदी ने कहा $10 मिलियन इंडिया के तरफ से कंट्रीब्यूशन हो रहा है सार्क इमरजेंसी फंड को COVID-19 से लड़ने के लिए और COVID-19 से बचने के लिए, COVID-19 का जो स्प्रेड हो रहा है उसका निरोध करने के लिए, निवारण करने के लिए $10 मिलियन इंडिया ने दे रहा है। ये तो कहना है नरेंद्र मोदी का। और ये जो सदस्य हो आपसे जितना हो सकता है उतना आप भी मदद करो ताकि ये COVID-19 से हम सब बचे, हमारे सब जो सराउंडिंग कंट्रीज है, इसलिए हम सब बचना है। हम सब बचने के लिए ज़रूर हमें फ़ंड देना पड़ेगा और ये फ़ंड कंट्रीब्यूशन से हमें COVID-19 को रोकने का इंतज़ाम कर सकते हैं। ये तो कहना है इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। राइट, ही सेड इंडियाज फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला एंड हिज काउंटर पार्ट्स फ्रॉम अदर मेंबर्स कंट्रीज शुड मीट एंड डिसाइड ऑन द प्लान फॉर द क्रिएशन ऑफ द फंड। जैसा कि हर्षवर्धन ने और उसके काउंटर पार्ट्स और उसके जो मेंबर्स है ये सारे मिलकर हर्षवर्धन ने एक टीम बना रहे हैं और जितने भी सार्क के मेंबर्स है और उस सारे मेंबर्स से डिस्कस करके इस फंड को जल्द से जल्द प्लेटफॉर्म पे लाया दिया जाएगा और इस फंड से ये COVID-19 को रोक दिया जाएगा। ये तो कहना है भारत का सरकार का। राइट, ये तो हो गया आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जो वीडियोस में आप भाग लिए और आप निरंतर हमारे वीडियोस से टच रहने के लिए और ये वीडियोस को कंटिन्यू करने के लिए हमारा विजडम जॉब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिया जाए। हमारे जो जितने भी वीडियोस आ रहे हैं और उस वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते।